तमाम तलबा और तालिबात और पाकिस्तान की सबसे वाइब्रेंट, सबसे डायनेमिक जामिया जामिया कराची के तालिब टर्बो इंजन की तरह पढ़ने और खेलने वाले तालिब इल्मों, हर जगह पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों, आपको 14 पैगामे अमन कामयाब क्रिकेट टूर्नामेंट कराने पर कायदे तहरीक और हम सब लोगों की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। ये कामयाबी सिर्फ एपीएमएसओ की कामयाबी नहीं है, ये जामिया कराची के एक एक तालिब इल्म, एक एक तलबा और एक एक तालबा की, ये तालिब इल्म और तालबा की कामयाबी है। अगर यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आकर क्रिकेट की टूर्नामेंट की हौसला अफजाई ना करें तो फिर मेरे ख्याल में ग्राउंड में खेलने वाला भी कोई नहीं होगा। आप लोग आते हैं तो ग्राउंड में लोग खेलते हैं। और ये सिर्फ लड़कों का टूर्नामेंट नहीं है, ये लड़कियों का टूर्नामेंट भी है। और अब ऐसा महसूस होता है कि अगर हमारे लड़कों की टीमें कहीं पर पाकिस्तान के नाम को सरबुलंद करने में कामयाब ना हो सके तो इंशाअल्लाह ताला हमारी लड़कियां हमेशा पाकिस्तान के नाम को सरबुलंद करेंगी। लड़के मैच हारते जाए, लड़कियां इंशाअल्लाह मैच जिता दी जाएंगी इंशाअल्लाह। और आज जामिया कराची में आकर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ को एजुकेशन खत्म हो गई है, ये सिर्फ लड़कियों की जामिया रह गई है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा नहीं, मुझे तो यही लग रहा है। ये अगर है, है? अब आप बताइए कि हम ये समझते थे कि जिना यूनिवर्सिटी ही खवातीन की और कराची की बेटियों की यूनिवर्सिटी है, अब हमें ये पता चला कि जामिया कराची भी कराची की बेटियों की जामिया है। भाई है या नहीं है? अब हुकूमत को खास पॉलिसी बनाना पड़ेगी। पहले पॉलिसी बनती थी तालीम निस्मा के लिए, खवातीन के लिए, अब तालीम मर्दा के लिए हमें कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। है या नहीं है? दुरुस्त या गलत? जामिया कराची में पैगाम अमन क्रिकेट टूर्नामेंट से डॉक्टर फारूक सत्तार इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं।